हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों हम सभी जानते हैं कि डेली लाइफ की बातचीत में भाषा का जो इनफॉर्मल रूप होता है वही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इनफॉर्मल रूप क्या होता है दोस्तों? जो हम स्कूल में, कॉलेज में, दोस्तों के साथ, सोशल मीडिया पर जो भाषा के जिस रूप को इस्तेमाल करते हैं वो उसको इनफॉर्मल रूप कहते हैं। इनफॉर्मल को हिंदी बोलते हैं अनौपचारिक। अनौपचारिक रूप डेली लाइफ में, यानी जो स्पोकन इंग्लिश जिसको बोलते हैं आप, स्पोकन हिंदी, जो डेली लाइफ में यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं। अच्छा दोस्तों, भाषा का एक फॉर्मल रूप भी होता है जो औपचारिक होता है। जैसे अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कोई ऑफिशियल मेल लिख रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं, वो औपचारिक है, तो वो फॉर्मल है, उसकी हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि डेली लाइफ की बातचीत में इनफॉर्मल रूप जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा दोस्तों, इनमें शॉर्ट फॉर्म्स भी हैं, जैसे हिंदी में भी है। जैसे हम लिखते हैं ना, लग रहा है को हम लिखते हैं लग रहा, ऐसे लिखते हैं ना फेसबुक पे, मैंने देखा है लोगों को लिखते हुए। तो जब हिंदी में भी शॉर्ट फॉर्म्स है तो इंग्लिश में भी शॉर्ट फॉर्म्स है। अच्छा दोस्तों, ये शॉर्ट फॉर्म्स ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होते, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। तो इनको वैसे ही आप इनफॉर्मल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इनको स्लैंग भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि स्लैंग का मीनिंग वही है कि जो बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल हो। तो दोस्तों, आज हम शॉर्ट फॉर्म सीखेंगे इनफॉर्मल इंग्लिश के, यानी स्लैंग के, और अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, आपको एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए। तो दोस्तों, आज की क्लास का जो नाम है हमारे वो है इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस। इनफॉर्मल का मतलब है अनौपचारिक और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है शॉर्ट फॉर्म, जिनको हम स्लैंग वर्ड्स भी कहते हैं। स्लैंग वर्ड्स यानी कि जो बहुत ही इनफॉर्मल है। अच्छा दोस्तों, पहला जो टर्म है वो है लेमी, और ये लेट मी का शॉर्ट फॉर्म है। जैसे हम बोलते हैं ना, लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। तो अभी लेट मी नहीं बोल के लेमी बोला जा सकता है, लेमी गो, लेमी स्लीप। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया, ये फॉर्मल इंग्लिश नहीं है। फॉर्मल इंग्लिश लिखना हो तो पूरा लिखना चाहिए लेट मी गो, क्योंकि वही ग्रामेटिकली करेक्ट है, ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। तो लेमी का मतलब है लेट मी। उसके बाद दोस्तों, जैसे गिव मी बोलना, गिव मी द फोन, तो गिव मी का शॉर्ट फॉर्म निकाला लोगों ने गिमी, तो आप बोल सकते हैं गिव मी द फोन, गिव मी द मनी, गिव मी द मनी को गिव मी द मनी, तो गिव मी को गिमी। आपको देख के भी अंदाजा लग जाएगा कि ये शायद इसका शॉर्ट फॉर्म होगा, एक इस सेंटेंस का शॉर्ट फॉर्म होगा। बहुत में देख के अंदाजा लग जाता है, कुछ में नहीं लगता, वो सीख सकते हैं हम। उसके बाद दोस्तों, वी मी, तो इसका एक्चुअली फुल फॉर्म है विद मी, मेरे साथ, विद मी। तो इसकी दो स्पेलिंग चल सकती है, WIMME और एक है WIMMIE, वी मी। आप किसी के बारे में बता रहे हैं, वो मेरे साथ है, ही इज विद मी, तो उसको ऐसे बोल सकते हैं आप, ही इज विद मी। मान लेते हैं आप कहीं बैठे हैं, कोई फ्रेंड आपके साथ है, एक तीसरे फ्रेंड का फोन आएगा, अरे यार वो कहाँ है, आप बोल रहे हैं वो मेरे साथ है, ही इज विद मी, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, ही इज विद मी। कम विद मी, कम विद मी, मेरे साथ चलो, कम विद मी, इतना ही बोल के काम चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, डन, अब ये तो काफ़ी पुराना है, काफ़ी पहले से चला आ रहा है, इसका फुल फॉर्म होता है डोंट नो। आपको बोलना है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, तो आप उसको बोल सकते आई डोंट नो। उसके बाद दोस्तों, वाना, ये भी बहुत पहले से चला आ रहा है, ये वॉन्ट टू का शॉर्ट फॉर्म है, मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट अ गो, यानी आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू ईट, आई वॉन्ट टू स्लीप, सब में वॉन्ट टू की जगह पर वाना का इस्तेमाल कर देंगे, आई वॉन्ट अ गो, आई वॉन्ट अ स्लीप, आई वॉन्ट अ ईट, तो वाना वॉन्ट टू का शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद दोस्तों, गोना, इसका फुल फॉर्म है गोइंग टू। ये कैसे सेंटेंसेस में यूज़ होता है, जैसे बोलते हैं मैं डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ, या मैं डॉक्टर से मिलूंगा, इसको आप ऐसे बोलेंगे इंग्लिश में, आई एम गोइंग टू सी द डॉक्टर, तो गोइंग टू की जगह पे गोना लगा दिया, आई एम गोना सी द डॉक्टर, मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा, आई एम गोइंग टू कॉल यू, को आप बोल सकते हैं आई एम गोना कॉल यू, वही मैंने एग्जाम्पल बनाया, आई एम गोना कॉल यू, यानी आई एम गोइंग टू कॉल यू। तो दोस्तों, ये थे शॉर्ट फॉर्म्स थोड़े से, अब हम दूसरे वाले सीखते हैं। और ये दोस्तों, काइंडा, यानी काइंडा, अब ए लगा है तो उसको एक्चुअली ऑफ जनरली करके यूज़ करते हैं, काइंड ऑफ, यानी प्रकार का। जैसे कोई चीज़ है और वो बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छे के लिए कूल वर्ड का इस्तेमाल होता है, ओ इट्स कूल, यानी ये तो बहुत ही अच्छा है। कूल किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन के लिए, चश्मे के लिए, माहौल के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कूल, बाइक के लिए, कार के लिए, जो बहुत अच्छी है वो आप जानते ही हैं। तो अगर बोलना हो इट्स काइंड ऑफ कूल, यानी यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो काइंड ऑफ की जगह पर आपने काइंडा का इस्तेमाल कर दिया, ओ इट्स काइंड कूल, काइंड, इट्स काइंड कूल, ऐसे बोलना है। उसके बाद दोस्तों, कप, यानी कप ऑफ, आप बोलते आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी, मुझे एक प्याली चाय चाहिए, तो आप उसको ऐसे बोल सकते हैं, आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी। जैसे यहाँ कोई बोल रहा हैव अ कप ऑफ टी, कोई किसी को ऑफर कर रहा है, एक कप चाय तो पी लो, हैव अ कप ऑफ टी को ऐसे बोला, हैव अ कप ऑफ टी। तो कप ऑफ, अब कौन बोले इतना लंबा चौड़ा, शॉर्ट बना दिया लोगों ने, कप, हैव अ कप ऑफ टी, तो ऐसे बोल के आप काम चला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, सॉर्टर, सॉर्टर का मतलब है सॉर्ट ऑफ, इसका मतलब है
कि इस तरह का, इस प्रकार का, ये इसका मीनिंग होता है। जैसे कोई किसी को कह रहा है किसी चीज़ के बारे में क्या यार एक तरीके से इस चीज़ ने काम कर दिया, बिल्कुल हमारा तो काम ही हो गया, तो वही कहा जा रहा है इट्स सॉर्ट ऑफ वर्क्ड, यू नो इट्स सॉर्ट ऑफ वर्क्ड, यानी इट सॉर्ट ऑफ वर्क्ड, इसने तो एक तरह से हमारा काम ही चला दिया, तो सॉर्ट ऑफ। उसके बाद दोस्तों आउटा, आउटा का मीनिंग होता है आउट ऑफ, जैसे आई एम आउट दिस, कोई कह रहा है कि भाई मैं इस मामले में नहीं पड़ता, मैं इस मामले से बाहर हूँ, मुझे बाहर निकाल दो, आई एम आउट ऑफ दिस, नो आई एम आउट ऑफ दिस, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, आई एम आउट ऑफ दिस, तो आप उसको ऐसे बोल सकते आई एम आउट ऑफ दिस। तो आउट ऑफ का शॉर्ट फॉर्म है आउटा। उसके बाद दोस्तों लॉट्स, लॉट्स यानी लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ में बहुत ज़्यादा, लॉट्स ऑफ को लॉट्स बोला, ही हैज़ लॉट्स ऑफ मनी, यानी ही हैज़ लॉट्स ऑफ मनी। आप अपने लिए बोलना चाहते हैं आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, तो आप बोल सकते हैं आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, लॉट्स यानी लॉट्स ऑफ का शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद दोस्तों बेटचा, बेट यू, बेटचा ध्यान से समझना है, बेटचा यानी बेट यू, बेट यू का क्या मीनिंग है, बेट यू या यू बेट। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ अंग्रेज लोग कैसे इंग्लिश बोलते हैं, जैसे ये बेटचा कहाँ यूज़ करना है, कोई पार्टी है, आपके किसी फ्रेंड ने एक पार्टी दी और वो पार्टी जब शुरू होगी उसके पहले आपसे पूछा भाई तुम आओगे ना पार्टी में, आप बोले यार बिल्कुल आऊँगा यार पक्का आऊँगा, तो हम कैसे इसको बोलते होंगे, हम लोग कौन सी इंग्लिश यूज़ करते हैं, आई विल डेफिनेटली कम, आई विल सर्टेनली, सर्टेनली डेफिनेटली, वो सब भी ठीक है, लेकिन जो एक अंग्रेज है जो अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश बोल रहा है वो बोलेगा यू बेट, यानी तुम शर्त लगा लो, मैं तो, इसका मतलब क्या हुआ, मैं पक्का आऊँगा ही, यू बेट, ऐसे करके बोलते हो, तो उसी को कहा गया बेटचा यानी बेट यू, यानी चाहे तो तुम चाहो तो शर्त लगा लो। बेट का मतलब होता है शर्त या शर्त लगाना, नाउन में इसका मीनिंग होता है शर्त और वर्ब में मीनिंग होता है शर्त लगाना, तो वो शर्त लगाई, शर्त लगाना कैसा हो, जो सट्टा लगाते उस टाइप का, बेट करना, बेटिंग हम सब जानते हैं कि क्या वर्ड होता है। तो दोस्तों ये था बेट यू के लिए, बेटचा बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों हैफ्टर, हैफ्टर किसका शॉर्ट फॉर्म है, हैव टू का, जैसे आप बोले मुझे जाना है आई हैव टू गो, तो आप उसको ऐसे बोल सकते हैं आई हैव टू गो, आई हैव टू लीव, या मैंने एग्जाम्पल आई हैव टू लीव, किसी को सोना है वो कह रहा है आई हैव टू स्लीप, तो वो बोल सकता है आई हैव टू स्लीप, तो हैव टू का शॉर्ट फॉर्म है हैफ्टा। उसके बाद दोस्तों ऑटर, ये ऑट टू, ऑट टू होता है ना, चाहिए आपको अपने देश की सेवा करनी चाहिए, यू ऑट टू सर्व योर नेशन, को ऐसे बोल सकते हैं आप यू ऑट टू सर्व योर नेशन। तो दोस्तों एग्जाम्पल बनाया मैंने वो, अच्छा एग्जाम्पल वही बनाया मैंने, यू ऑट टू सर्व द नेशन, आपको अपने देश की, राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए, तो ऑट टू को ऑट हमने बना दिया। उसके बाद दोस्तों वॉटचा, वॉटचा का मीनिंग है वॉट हैव यू, आप पूछ रहे किसे तुम्हारे पास क्या है, वॉट हैव यू गॉट, हम पूछते ना वॉट हैव यू गॉट, तुम्हारे पास क्या है, तो आप उसको ऐसे बोल सकते हैं वॉटचा गॉट, वॉट वॉटचा गॉट, यानी तुम्हारे पास क्या है, वॉट हैव यू गॉट, तो वॉट हैव यू गॉट का शॉर्ट फॉर्म ऐसे आप बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों गॉटचा, गॉटचा का मतलब है गॉट यू, और ये सेंटेंस ही अपने आप में पूरा, गॉट यू का मतलब क्या है, जैसे आपने किसी को कुछ करते हुए पकड़ लिया, या कोई छुपा हुआ था, जैसे वो खेल खेलते ना हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई का खेल जिसको बोलते हैं हिंदी में, कि जब छूते ना धप्पा, छूते जाके छूते उधर जब, तो आप पकड़ लेते किसी को, तो उधर बोलते पकड़ लिया, तो वही है दोस्तों ये गॉटचा, तो गॉटचा का मतलब है गॉट यू। और उसके बाद दोस्तों आज का जो लास्ट शॉर्ट फॉर्म है, ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, आपने अक्सर देखा होगा ये एंट लिखा हुआ, एंट, एंट का क्या मतलब है, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी बात ग्रामर की बताता हूँ। जैसे इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है इजंट, आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है आरंट, लेकिन एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता कोई, तो एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, तो अब अगर बोलना है कभी शॉर्ट फॉर्म में तो क्या बोलेंगे, तो फिर इसका एंट बन गया शॉर्ट फॉर्म। तो पहले शुरू में तो ये आई के साथ इस्तेमाल होता था, आई एंट गोइंग, यानी आई एम नॉट गोइंग, लेकिन बाद में अब बोलते बोलते आपको पता ही है भाषा के साथ कितनी छेड़छाड़ होती है, कितना परिवर्तन होता है, तो ये एंट अब जो यूज़ हो रहा है वो एम नॉट के लिए भी यूज़ हो रहा है, इज नॉट के लिए भी यूज़ हो रहा है, और आर नॉट के, सबका शॉर्ट फॉर्म बन गया ये, लेकिन ये प्योरली इनफॉर्मल है और ये ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। तो अब आप ही के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ नॉट कमिंग को शॉर्ट में, गलत ग्रामर में, इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन में आप बोल सकते हैं ही एंट कमिंग, ही एंट कमिंग यानी ही इजंट कमिंग, अपने लिए आई के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, आई एंट गोइंग यानी आई एम नॉट गोइंग, किसी और के भी साथ, आर नॉट,
यू एंट कमिंग, वो कोई पूछ रहा है मतलब तुम नहीं आ रहे हमारे साथ, यू एंट कमिंग विद अस, तो सब के साथ इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको ये टर्म्स इसलिए बताए कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और दूसरे लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, आप भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आप इनफॉर्मल भाषा के इनफॉर्मल रूप को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे टर्म्स वर्ड्स सीख करके आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा और आपको अब जो दूसरे लोग बोल रहे हैं इनफॉर्मल इंग्लिश उसको समझने में बड़ी आसानी होगी और आपको बोलने और लिखने में भी आसानी होगी इनफॉर्मल इंग्लिश। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक वीडियो बना करके दे दूँ तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा, मेरे पास एक्चुअली एक बहुत लंबी लाइन है वीडियोज़ की तो मैं एक एक करके सबको बना रहा हूँ, फिर भी जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको वो वीडियो बना करके देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।